कैसे पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो, कैसे दुनिया में जैसे बेस्ट ट्रेन्स होती हैं, हम में से सब में से कहीं ना कहीं हमने वर्ल्ड की बेस्ट देखी होगी या एक्सपीरियंस किया होगा। कितने लोगों ने यूरोप में ट्रेन किया एक्सपीरियंस, राइट? अब वैसी ट्रेन हिंदुस्तान में कैसे बने, ये 17 में पीएम साहब ने सबसे पहले टारगेट रखा। जब टारगेट रखा तो नेचुरल था कि लोग तुरंत पहले टिकट कटाए, कोई जापान गया, कोई जर्मनी गया, कोई फ्रांस गया, कोई स्विट्जरलैंड गया, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस उठा के लेके आए, ब्रोशियर्स उठा के लेके आए कि साहब ये अच्छी ट्रेन है, इसको इम्पोर्ट कर देते हैं, ये ले आते हैं, वहां से ले आते हैं, यहां से ले आते हैं, जर्मनी से ले आते हैं, फ्रांस से ले आते हैं। बेसिक ये अप्रोच थी शुरू में। मोदी जी के पास गए, मोदी जी को दिखाए वो सब प्रेजेंटेशंस, मोदी जी बोले नहीं भैया नहीं, ये सब नहीं चाहिए, हमारे ही देश के इंजीनियर्स से ही डिजाइन करवानी पड़ेगी और हमारे देश के ही इंजीनियर्स उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। इतना बड़ा चैलेंज। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं, चाहे हम बैंगलोर जाएं, पुणे जाएं, हैदराबाद जाएं, चेन्नई जाएं, गुड़गांव जाएं, दुनिया भर के बेस्ट से बेस्ट डिजाइन इंजीनियर्स हमारे देश में ही मौजूद है, दुनिया भर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, जानते हैं हम। चैलेंज लिया, चैलेंज जब लिया और बनी वंदे भारत ट्रेन। कितने लोगों ने इसको अब तक एक्सपीरियंस किया? वाह क्या बात है, काफी लोग। कैसा एक्सपीरियंस है भाई साहब? शानदार, एक नंबर। मैं आपको इसका टेक्निकल पैरामीटर बताता हूं, बेटर देन ट्रेवलिंग इन द प्लेन। प्लेन में जो नॉइस का लेवल है, प्लेन में जो नॉइस का लेवल है और वंदे भारत में जो साउंड का लेवल है, उसका अगर डिफरेंस एक्चुअल में हम लोगों ने मेजर किया है, 100 टाइम्स लेस नॉइस, 100 टाइम्स लेस नॉइस, एक्चुअली मेजर्ड 100 टाइम्स लेस नॉइस। एक पूरी तरह से नई सोच के साथ इस ट्रेन को बनाया, इस ट्रेन को चलाया। 2019 से चल रही है, अब करीब करीब 60 से ज्यादा सर्विसेज इसकी हो गई है और करीब हर छठे दिन एक नई गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। अगर इसकी टोटल रनिंग देखें तो पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करें, 164 बार, 164 परिक्रमाज ऑफ दी अर्थ, इतना ये गाड़ी चल चुकी है। दैट मींस गाड़ी कितनी प्रूव हो गई है। और अब समय आ गया जब इस गाड़ी को हमें एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना है, देश में और करीब 100-150 और चल जाए और उसके बाद में हमें एक्सपोर्ट के लिए तैयारी करनी। ये थॉट प्रोसेस है, ये एक सोचने का, विजन का, एग्जीक्यूशन का एकदम नया डायमेंशन मोदी जी ने देश के लिए दिया है। बुलेट ट्रेन मैं एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूं, एक इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, दुनिया की सबसे समृद्ध देश में, सबसे समृद्ध देश में भी 15 साल 18 साल से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हैं। मोदी जी ने 2017 में इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया था, बीच में कोविड का पीरियड आ गया, 2 साल उसमें वेस्ट हो गए डिजाइन करते करते, जैसी डिजाइन कंप्लीट हुई थी कोविड का पीरियड आ गया, बाद में काम चालू हुआ। आज करीब करीब 250 किलोमीटर के आसपास इस प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो गया, विदिन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम 250 किलोमीटर से ज्यादा का बुलेट ट्रेन का काम चालू हुआ। प्रोजेक्ट को अगर आप देखो, 262 किलोमीटर से, एक्चुअली 262 किलोमीटर आप देखोगे, मतलब इतना मैसिव काम है, इतना मैसिव काम है, और जिस स्पीड से और जिस क्वालिटी का काम हो रहा है, जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सबसे सीनियर एडवाइजर को भेजा कि यार तुम जाके देख के आओ ये हो क्या रहा है, मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही है ये रिपोर्ट सच है या क्या है। वो आए और 2 दिन करीब उन्होंने विजिट किया, विजिट के बाद में मेरे पास आए, बोले अश्विनी सान आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई हैव सीन, मतलब इतना तेज काम, इतना स्पीड से काम, आश्चर्यचकित है।
और जिस तरह की टेक्नोलॉजी लग रही है उस टेक्नोलॉजी पे लाइक एक सेकंड बैक चलो, ये अगर आप देखो इसका एक लॉन्चर है राइट, ये पिलर के ऊपर गर्डर लगा है, इसके आगे वाले पिलर पे लिटरली इस तरह की मशीन्स बनी है, सारे की सारी इंडिया में डिजाइन हुई है। बड़े गर्डर को उठाती है, 1000 टन के गर्डर को उठाती है और इसके ऊपर गर्डर के ऊपर रखती है, पुराने वाले गर्डर के ऊपर, और आगे वाले गर्डर पे उसको लॉन्च कर देती है। इट्स क्वाइट अ साइट टू गो एंड सी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जो भी जाना चाहे इस प्रोजेक्ट को देखने, और नई दुनिया अगर आप कवर करना चाहें तो प्लीज मेक अ टीम, वील सेंड द टीम टू प्रोजेक्ट साइट, आप देखें उसको, देख के आपको एक गर्व महसूस होगा कि देश में इस तरह से भी काम अभी हो रहा है। यह है हमारा फ्रेट कॉरिडोर, लंबे टाइम से चल रहा था, बहुत तेजी से ये भी करीब करीब कंप्लीट होने को आया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है चिनाब ब्रिज, जिसको मन में मतलब लिटरली सीना चौड़ा हो जाता है। अगर एफिल टावर को लगाओगे आप, एफिल टावर यहां पे आता है, 35 मीटर इससे भी ऊपर है चिनाब का ब्रिज, एफिल टावर से भी ऊंचा है और कंप्लीट अपना डिजाइन किया हुआ है, अपनी स्पेशल कंडीशंस के हिसाब से इसको बनाया। अब ये कंप्लीट हुआ, वेरी गुड, ये देखो एफिल टावर यहां रखा हुआ है, ये एफिल टावर बैठाया हुआ राइट, 35 मीटर्स का गैप है बिटवीन द चिनाब ब्रिज एंड एफिल टावर। चिनाब ब्रिज इज हायर बाय 35 मीटर्स। इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी, इतनी कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी, इतनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, उसमें ये ब्रिज बना है। और अब अगले साल इसके अंदर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, आगामी मार्च या अप्रैल में। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में पहले केवल बातें होती थी, अब आप जाके देखो करीब करीब हर स्टेट के कैपिटल को कनेक्ट करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा सिंगल पियर वाला ब्रिज मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए, वैसे ही सिक्किम का, मिजोरम का, त्रिपुरा का, करीब करीब हर जगह की कनेक्टिविटी, मतलब केवल प्रोमिसेस नहीं एक्चुअल काम। अब मैं बहुत सारे पैरामीटर्स अगर आप देखो, पिछले 9 वर्षों में 25,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी है, 25,000 किलोमीटर नई पटरियां लगी है, मतलब कई देश ऐसे हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, पूरा जो रेलवे नेटवर्क है उस पूरा रेलवे नेटवर्क से ज्यादा इसमें अपने देश में रेलवे नेटवर्क बनी। आज करीब करीब ये एवरेज लिखा है इन्होंने, लेकिन अभी करीब करीब 14 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे की पटरियां लग रही है, इस तेजी से काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे जर्मनी का रेलवे नेटवर्क का कोई गेस करो कितना किलोमीटर होगा, गेस करो, पूरा जर्मनी का रेलवे नेटवर्क है 35,000 किलोमीटर। भारत में पिछले 9 वर्षों में अगर हम देखें 37,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। आप इसके पीछे की थॉट प्रोसेस देखो, हम जितना कार्गो और ट्रांसपोर्टेशन को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करेंगे, उतना ही हमारी डिपेंडेंस मिडल ईस्ट के ऑयल पे कम होगी। कितना क्लियर भविष्य का सोच के मोदी जी आगे का देख के कर रहे हैं। ये सब संभव हो पाया क्योंकि रेलवे को एम्फेसिस दिया गया, रेलवे को एक क्लियर डायरेक्शन दिया गया। 9 साल पहले तक रेलवे के लिए बजट होता था 30-35 हजार करोड़ के आसपास का टोटल बजट होता था, अभी 2,40,000 करोड़ का बजट है। और मध्य प्रदेश के लिए, इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रदेश, 632 करोड़ रुपए होते थे, मात्र 632, आज कितने अंदाज लगाओ, है कोई गेस लगाएगा, 13,607 करोड़। मतलब जो 632 करोड़ था ना, वो अब उसके कॉमा के बाद में वाला हिस्सा रह गया, 13,607 करोड़। इसीलिए तेजी से काम भी चल रहा है, फ्लाईओवर हो, अंडर ब्रिजेस हो, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो, यानी स्टेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो,
इलेक्ट्रिक लोको का प्रोडक्शन, में हर एक एक डेटा आपको नहीं बताता, करीब करीब हर एक पैरामीटर पे देश ने रेलवे में एक अलग ही लेवल बनाया है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट का हम सब से वास्ता है, स्टेशंस। मोदी जी ने टारगेट रखा कि देश भर के स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाना है। काम चालू किया, पहले 3 स्टेशन लिए, एक अपना रानी कमलापति, एक गांधीनगर कैपिटल और एक बैंगलोर में विश्वेश्वरैया टर्मिनल। इन तीनों से जो लर्निंग्स आई उसके बेसिस पे मैसिव काम लिया। करीब करीब 1300 स्टेशन पे अभी एक साथ काम चल रहा है। बहुत ही नए तरीके से काम किया और हर जगह ये ध्यान में रखा कि विरासत भी बचानी है हमें और नए तरह का स्टेशन भी डेवलप करना है, और कम से कम 50 साल के आगे की सोच के। अगर आप डिजाइन देखोगे, एक एक डिजाइन ऐसा डिजाइन है कि देख के मन एकदम खुश हो जाए। ये है ग्वालियर, ग्वालियर के हैं यहाँ पे कौन, कितने लोग हैं, कैसा लगा यार डिजाइन, शानदार है, गुड, अच्छा है, सुपर है, क्या अच्छा लगा इसमें, विरासत, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा है। एक चीज आप इसमें नोटिस करोगे, हर स्टेशन में बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा है, मैं इसको आगे दिखाऊंगा किसी एक डिजाइन में। लेकिन बड़े बड़े स्टेशन नहीं, छोटे भी, ये है खजुराहो। अच्छा लगा डिजाइन में, देखो हमने अपनी संस्कृति को कितना अच्छे से इंटीग्रेट किया है और वर्ल्ड क्लास। रूफ प्लाजा मैंने पटरियों के ऊपर, जैसे आपने कमलापति स्टेशन में देखा होगा, करीब 100 फुट या 200 फुट या 300 फुट का चौड़ा बिल्कुल एक कॉन्कोर्स रूफ प्लाजा, जिसके ऊपर पैसेंजर्स आराम से बैठ सके और आराम से वहां पे पैसेंजर्स नीचे जा सके। अब एक एक स्टेशन देख लो, डबरा, नेक्स्ट लो बानापुर, छोटे छोटे स्टेशन भी, बानापुरा, ये है बियावरा, बियावरा रायगढ़, दामो, दामो से है कोई यहां, जाओ दामो एक सेकंड वापस दिखाओ तो, दामो कैसा लग रहा है। देखो मैंने एक बार एक जगह, किस जगह मैं गया था अभी बीच में, नीमच के आगे, नीमच से रतलाम की तरफ जा रहा था, तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि साहब पहले यही सोचते थे कि जो पैसा लगना है वो लगेगा दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बड़े शहरों में। मोदी जी ने जो काम किया है छोटे छोटे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का, वो वैसा है जैसा श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की थी।